तो आप लोग एग्जिट लेने से पहले आप लोगों को सारा कुछ, आप लोगों को कहीं नहीं जाना, यहाँ पर आप लोगों को इजीली मिल जाएगा। आप लोगों को कहीं भी कुछ नहीं समझना, आप लोगों को सिंपल किसी के बात में नहीं जाना है। हेलो माय डियर फ्रेंड, तो आज हम लोग है कर्नाटका बेंगलुरु SMBT रेलवे स्टेशन, जो कि इसे इंडिया में सबसे पहला फुल्ली एयर कंडीशन रेलवे स्टेशन बनाया गया है, जो कि इसे एक तरफ से एयरपोर्ट की तरह देखा जाता है। चलिए आज हम लोग इससे अंदर जाकर पूरा डिटेल में देखते हैं और आप लोग को भी पूरा दिखाते हैं। चलिए मेरे साथ। कालो किस्मा रेली माई बांधे कोरी बाना तिमलाई है। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो भी आप लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और चैनल पे नए आए हैं, तो नीचे रेड कलर का बटन होगा, उसे दबाकर आप लोग सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो मैं लाते रहता हूँ। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं स्टेशन के बारे में। तो अभी हम लोग चल रहे हैं स्टेशन के अंदर और आप लोगों को दिखाते हैं स्टेशन का इंटीरियर कैसा होगा। और आप लोग अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं बेंगलुरु स्टेशन में SMBT खासकर, तो आप लोगों को कहां से क्या लेना है वो आप लोगों को प्रॉपरली पूरा इस वीडियो में आप लोगों को जानकारी मिलेगा। तो चलिए पहले हम लोग एंट्री ले लेते हैं आगे से, जो कि आप लोगों को दिख रहा होगा। तो अभी हम आए भैया के साथ में, भैया पीछे है भैया, और अभी हम लोग जा रहे हैं प्लेटफॉर्म टिकट लेने के लिए। और प्लेटफॉर्म टिकट कहां पर मिलता है तो आप लोगों को दिखाते हैं। तो यहां से देखिए एंट्री गेट है, यहां से हम लोगों को एंट्री लेना है। कुछ यहां पर ऐसा नज़ारा है, एंट्री लेते ही हम लोगों को सारा कुछ यहां पर मिल जाएगा मेन्यू कार्ड में। एक तरफ से बोला जाए तो मेन्यू कार्ड ही है। तो टोटल आप लोगों को दिखा देते हैं, टॉयलेट रूम है, फूड कोर्ट है, क्लॉक रूम है, जो भी सारा कुछ है यहां पर लगा हुआ है आप लोग देख सकते हैं। यहां पर प्लेटफॉर्म के लिए रास्ता है और यहाँ पर आप लोग को अगर टिकट लेना हो मशीन से तो मशीन से भी ले सकते हैं। यहाँ पर चार्जर सॉकेट दिया हुआ है, जो कि बहुत ही बेस्ट सॉल्यूशन रखा हुआ है, और यहाँ पर आप लोग टिकट वगैरह ले सकते हैं। तो भैया को बोलते हैं यहाँ से लेने के लिए। तो ये रहा दोस्तों हम लोग का प्लेटफॉर्म टिकट। कितने भी लेने? हाँ ये देखिए दोस्तों, हम लोग का टिकट आ गया है भैया का और मेरा। तो प्लेटफॉर्म टिकट 10 रुपये करके लिया। हाँ, तो इधर से हम लोग चलना है। एस्केलेटर भी दिया हुआ प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे है। जैसे ही आप लोग यहाँ से एंट्री लेते हैं तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 आप लोग को यहाँ मिल जाएगा। अभी हम लोग चलेंगे ऊपर एस्केलेटर से। टोटल प्लेटफॉर्म यहाँ पर 7 है, जो कि आप लोग ऊपर आते ही यहाँ पर मिल जाएगा। और सबसे बेस्ट पॉइंट यहाँ पर ये दिया हुआ है, आप जैसे ऊपर आएंगे तो सारा कुछ आप लोगों को बोर्ड में लिखा हुआ दिखेगा। मतलब कि एक तरफ से देखा जाए तो फील हो रहा है एकदम एयरपोर्ट वाला, ऐसा कुछ यहाँ पर नज़ारा है। अमेजिंग। वैसे इसको टोटल बनने में 300 करोड़ खर्च हुआ है। यहाँ पर फूड कोर्ट है और अभी हम लोग को चलना है इधर, और भैया किधर गया है नहीं पता। काफ़ी अमेजिंग नज़ारा है, पता नहीं भैया किधर चले गए हैं, आई डोंट नो। तो ऐसा है नज़ारा यहाँ पर। ये तो हम लोग आए हैं मेन गेट से, और चलिए आप लोग चलते हैं लास्ट स्टेशन में, प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर। और यहाँ पर काफ़ी ट्रेन रुकी हुई है, ये देखिए प्लेटफॉर्म नंबर आप लोग को 1 दिखा दिए थे, यहाँ पर 2-3 है, ये 2-3 इधर लेफ्ट राइट, फिर 4-5 आगे, फिर 6-7 लास्ट। तो अभी देखा जाए तो उतना कोई भीड़ नहीं है यहाँ पर, देखिए 4-5 ये हो गया और 6-7 लास्ट वाला हो गया। सिक्स सेवन में पहुंच गए हैं यहाँ पर है। और अगर आप लोगों को कहीं भी जाना हो या फिर आना हो बेंगलोर की तरफ से, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का आईडी मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, वहाँ पर लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से मुझे फॉलो करके कुछ भी कमेंट कर सकते हैं।
जैसे कि आप लोग फिर अगर कोई सीढ़ी से नहीं जा पाएंगे तो आप लोग को यहाँ पर मिलेगा जो कि ट्रॉली फ्रेंडली है, तो आप लोग तो ट्रॉली फ्रेंडली से भी जा सकते हैं। तो जैसे कि हम लोग आ गए हैं प्लेटफॉर्म नंबर 6751 पर, तो इधर से भी है रास्ता, हम लोग कहीं से भी जा सकते हैं। चलिए फिर हम लोग अंदर ही अंदर चलते हैं और आप लोगों को फिर आधा इंटीरियल और दिखाते हैं, बाकी का इंटीरियल और दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर नज़ारा अमेजिंग है। 4531 जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया पहले भी, यहाँ पर डस्टबिन रखा हुआ है, तो नेक्स्ट लेवल का है। देखिए यहाँ पर इधर सीढ़ी से जा सकते हैं और लेफ्ट साइड से ट्रॉली फ्रेंडली बोला जाए तो। देखिए फोटो खींचना चाहिए यहाँ, नेक्स्ट लेवल का स्टेशन ये वाला बना हुआ है अगर बोला जाए तो। वैसे तभी ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा है, इस वजह से भी काफ़ी सन्नाटा है। अब हम लोग चलेंगे, देखिए प्लेटफॉर्म नंबर एक प्लेटफॉर्म एग्जिट इधर से राइट, और प्लेटफॉर्म नंबर एक पर जाते हैं हम लोग क्योंकि आप लोगों को दिखाना है। प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को ये कुछ अलग टाइप का वाटर की सुविधा मिलेगी आप लोगों को, फिर यहाँ पर आप लोगों को ठंडा पानी की भी सुविधा मिलेगी। देखिए चल रहा है कि नहीं, नहीं चल रहा है, चल रहा है, लेट रिएक्शन है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं प्लेटफॉर्म के अंदर से बाहर निकलेंगे, तो अभी आप लोगों को दिखाया उधर से हम लोग गए थे ऊपर। तो यहाँ आप लोग जैसे कि एग्ज़िट होने से पहले लिफ्ट से भी जा सकते हैं आप लोग ऊपर। तो अब हम लोग एग्ज़िट करते हैं और मेन सबसे इम्पोर्टेंट आप लोगों को यही दिखाना था, वेटिंग हॉल तो आप लोगों ने देख ही लिया स्टार्टिंग में ही, यहाँ भी वैसे लोग वेटिंग कर रहे हैं। तो ये सबसे मेन पार्ट आप लोगों का यहाँ पर है एग्ज़िट कर, उतर बड़ी। तो आप लोग एग्ज़िट लेने से पहले आप लोगों को सारा कुछ, आप लोगों को कहीं नहीं जाना, यहाँ पर आप लोगों को ईज़िली मिल जाएगा, मुझे भी समझाने की ज़रूरत नहीं है। देख लिए टोटल सारा कुछ दिया हुआ है आप लोगों को, कहीं भी कुछ नहीं समझना आप लोगों को, सिंपल किसी के बात में नहीं जाना है, सिंपल सा निकलेंगे बाहर एग्ज़िट होते हुए, सामने में आप लोगों को ऑटो मिल जाएगा, कैब मिल जाएगा, लेफ्ट साइड में आप लोगों को बस मिल जाएगा, राइट साइड में पर्सनल गाड़ी मिल जाएगा, सिंपल सा है, कोई दिमाग वाला इसमें गेम नहीं है, तो समझ लीजिए आप लोग। और आप लोग अगर आते हैं बैंगलोर में किसी को छोड़ने के लिए, तो राइट साइड में लगा हुआ पार्किंग का एरिया, तो वहाँ बिंदास होकर आप कोई भी गाड़ी लगा सकते हैं पार्क पे, और लेफ्ट साइड में बस स्टैंड है। तो आप लोगों को कहीं भी जाना है बेंगलुरु में, कहीं भी आप लोगों को यहाँ पर 24 आवर बस मिलेगी। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेशन मिला होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप लोग कहीं प्लानिंग कर रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। फिर हम लोग मिलते हैं कुछ ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।